नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र, आपका इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो हम बात करेंगे आपका BHU BSC नर्सिंग के फॉर्म भरने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई तो उसके बारे में बात करेंगे, और इसके आप एग्जाम सेंटर कैसे चेक कर सकते हो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं पूरा तो मैं बताऊँगा आपके लिए। इससे पहले एक वीडियो BSC नर्सिंग पर और अपलोड किया गया तो उसको देख लीजिए, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, वो आप उसमें जाकर देख लीजिए। तो सबसे पहले फॉर्म कैसे भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उस पर बता दूँ, तो आप लोग BHU की जो ऑफिशियल साइट है BHU IMS की, BHU.ac.in.IMS, इस पर यही आपको कॉपी पेस्ट करके आपको आ जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप BHU IMS सर्च करेंगे गूगल पर, तब भी आप यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा पहले उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। जब आप इस पेज पर आ जाएंगे यहाँ पर, तो इसके बाद आपको फॉर्म भरने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपके लिए इंट्रेंस जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, नया पेज खुलेगा, तो वो इस तरह से खुलेगा, देख लीजिए। नया पेज आपके लिए इस तरह से खुलेगा, फॉर्म 0 में जहाँ आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और जो पहले से आपका रजिस्ट्रेशन की हुई, जिन्हें आपका सेंटर चेंज करना, वो यहाँ से लॉगिन करके अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। यहाँ सेंटर चेंज करना है, जो पहले अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं, जिन्हें ऑनलाइन एग्जाम देना है, सिर्फ सेंटर चेंज करना है, तो उनके लिए आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से वो लॉगिन करके अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। मेरे पास किसी का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं, इसलिए मैं आपको लॉगिन करके नहीं दे सकता आपको पूरा डिटेल में, लेकिन आपको यहीं से लॉगिन करना है, ठीक है। और जिन व्यक्ति को फॉर्म भरना है वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और मैं बता रहा हूँ और कहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप नीचे की तरफ आएंगे, इसी पेज पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं आप आएंगे, जहाँ से आपको ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है अगर चाहें तो। उससे पहले आपको BHU IMS की हिस्ट्री लिखी होगी, उसको आप पढ़ सकते हैं, चाहे उसके नीचे सबसे नीचे जाएंगे जब पेज के सबसे लास्ट में, तो आपको इस तरह से मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म्स। यहाँ देख लीजिए BSC नर्सिंग का आपका फॉर्म भरने का आपका विंडो ओपन हो चुका है, प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं दोबारा। तो जहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आपके लिए, सबसे पहले आपको जब यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए इस तरह से खुलेगा, देख लीजिए। जब अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए इस तरह से एक फॉर्म आएगा खोलने के लिए, तो यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया है, सबसे पहले अपना नाम फिल कर देना, आपका फर्स्ट नेम है, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, ये आपका मोबाइल नंबर फिल करना है आपको, उसके बाद आपका पासवर्ड जो है उसको, जो आप पासवर्ड अपना नया बनाएंगे, कोई भी पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं, वो आपको भरना है, ठीक है। इसमें सभी डिटेल आप सही सही भरिएगा, क्योंकि यूजर आईडी जो पासवर्ड है उसी से आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो उसमें गलती मत करिएगा कोई भी, और ना अपने फर्स्ट नेम में, मोबाइल नंबर सब सही सही, OTP भेजा जाएगा, तो सब सही सही जानकारी आपको देनी है। पासवर्ड डालने के बाद आपको री इंटर पासवर्ड करना है, जो आप पासवर्ड बनाए उसको आपको दोबारा बनाना है, दोबारा फिल करना है यहाँ पर, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ से बैक टू लॉगिन, इसके बाद आपको आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, उसको आपको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद जो आपकी ईमेल आईडी है और पासवर्ड जो आपने अभी जनरेट किया, तब वही आपको लॉगिन में काम आएगा। तो यहाँ पर बैक टू, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे बैक टू लॉगिन पे, तो आपके लिए लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा पूरा। तो वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और आपका जो पासवर्ड, वो आपको फिल करना पड़ेगा, और आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। ये ऑप्शन दे रहा है, जो मैंने पहले बताया था, जिनको एग्जाम सेंटर चेंज करना है उन्हें सिर्फ लॉगिन करना है अपना, जो पहले आपका यूजर आईडी था वो पासवर्ड था उसको डाल के आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन आ रहे होंगे चेंज करने के लिए, तो जो आपके सबसे नज़दीक हो उसको आपको एग्जाम सेंटर ले लेना। तो देख सकते हैं BHU की नर्सिंग की आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो गई, एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं, सब प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो गई, तो आप कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से लॉगिन कर देंगे, यहाँ से आप साइनअप कर सकते हैं। ये तो ये पूरी प्रक्रिया थी जो मैंने बताई आपकी BHU नर्सिंग का, आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं और कैसे आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो एग्जाम सेंटर चेंज कर वैसे आपको करके दिखा देता, अगर किसी का यूजर पास आईडी पासवर्ड होता, अगर मुझे मिलता है तो कल मैं उसको डिटेल में आपको बता दूंगा। वैसे सबसे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको सामने आ जाएगा एग्जाम सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप चूज कर लीजिएगा बस। जैसे आपने BHU के एग्जाम सेंटर चेंज किए थे वैसे ही आपको इसके करने रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। BHU ने अपना एग्जाम सेंटर चेंज कराया था, UT के लिए कराया, पहले यहाँ पर UTPT दोनों के लिए, उसके बाद UT का कराया था अलग अलग, तो वैसे ही आपको करना रहेगा, कुछ अलग नहीं करना है। BHU की तरह एकदम फॉर्म भरा जाएगा, जैसे BHU का आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना रहता, उसके बाद आपको पूरा फॉर्म भरना रहता था, उसी तरह से आप BHU IMS का फॉर्म भर सकते हैं। इस पर अब आपको डिटेल में फॉर्म भरना है तो उसकी प्रक्रिया मैंने बताई, उससे पहले वीडियो बना हुआ है जो BHU नर्सिंग की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाकर चेक कर लीजिए, बहुत सारी वीडियो बनी हुई है BHU नर्सिंग पे आपकी, तो उसमें मैंने पूरी फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी पहले आपको बताई है, तो उसको आप जाके देख लीजिए, उसमें सब वीडियो मिल जाएगी। इसका सिलेबस भी वहाँ आपको मिलेगा, आपकी कितनी सीट है, तो डिटेल में सब वीडियो बनी हुई, उनको जाकर देखिए दोबारा। अब नई वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि ऑलरेडी इस पर बनी हुई है, ये मैंने आपको बता दिया। इसकी विंडो ओपन हो चुकी है, फॉर्म भर लीजिए जिससे नहीं भर रहा है अब तक, ये आपका आखिरी मौका है, इसके बाद BHU नर्सिंग आपके लिए मौका नहीं देगा। तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जो फॉर्म भरना चाहते हैं पहुंचाइए, और जिनने भर लिया है वो अपना सेंटर चेंज कर लीजिए, सबको शेयर कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे, सब पे, जिससे कि सब जगह तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।